सो व्हाट्सअप गाइज, तो फाइनली आई एम का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है एकदम होम पेज पे imu.edu.in पे ये आपको पोर्टल मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर काउंसलिंग यूजी एक्सेट बीबीए 2020। तो इस वीडियो में हम लोग यार काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी, और कैसे आपको कैंपस और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है वो सब इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपको इस वेबसाइट पर जाने की कोई जरूरत नहीं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करते सीधा आप मेन पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको लॉग इन करके काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो स्पॉन्सर्ड कैडेट है उनके लिए, जिनके पास रैंक सर्टिफिकेट है उनके लिए, जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले ये बात कर लेते कि ये काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो किसके लिए है। तो अगर आपको मतलब जो रिजल्ट आया है IMU CT का, जो रैंक लिस्ट आया, अगर आपका उसमें नाम है तो ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपके लिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रैंक नहीं है तो आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और एक और इंस्ट्रक्शन है कि जो स्पॉन्सर्ड कैडेट है उनको ये काउंसलिंग का फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी मिल चुका है, उनका एडमिशन प्रोसेस दूसरे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुका होगा, जो टाई अप कंपनी से जो टाई अप इंस्टीट्यूट होंगे उसमें। तो आपको भी ये फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको IMU के कैंपस में एडमिशन चाहिए BSc और BTech के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर काउंसलिंग यूजी एक्सेप्ट बीबीए 2020। तो इस पर क्लिक करते ही हम लोग का जो दूसरा पेज खुलेगा उस पर हमको आना है, यहाँ पर फिर से नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर काउंसलिंग यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम लोग का पूरा काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। यहाँ पर क्लियरली देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपका रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो आपका स्टार्ट हुआ है वो है आपका 26/9/2020 को स्टार्ट हुआ है। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फिल करने का वो है 1/10/2020 6 बजे शाम को। तो अगर आपको IMU में एडमिशन लेना है तो आपको 1/10/2020 शाम को 6 बजे से पहले आपको ये पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ेगा विद पेमेंट। तो उसके बाद जब आप पेमेंट करके जब सबमिट कर देंगे तो इसके बाद का जो प्रोसेस है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट और ये एक्सेप्टेंस ऑफ सीट, इसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, तो वो ज़रूर देखना। अभी हम लोग चलते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ने की, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ऑनलाइन PDF जो हम लोग को मिला था काउंसलिंग के पेज पे, उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में दे रखा उस पेज पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा, आफ्टर द प्रोविजनल रैंक लिस्ट इज पब्लिश, द कैंडिडेट हु है सिक्योर रैंक एंड आर विलिंग टू ज्वाइन UG प्रोग्राम इन IMU कैंपस विल हैव टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। जिनके पास रैंक लिस्ट में जिनका नाम आया था और उनको IMU में आपको UG प्रोग्राम करना है, जैसे BSc और BTech करना है, तो सिर्फ ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उन्हीं के लिए है। ये आपका देखिए क्या होता है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट्स थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी नोटिफाइड थ्रू द एडमिशन लिस्ट। द प्रोसेस टू बी फॉलोड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग टिल कन्फर्मिंग द अलॉटमेंट सीट इज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेज विच आर डिस्क्राइब बिलो। तो ये जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में पूरा डिवाइड है। तो अभी हम लोग पूरे तीनों स्टेजेस के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। और जो यहाँ एडमिशन लिस्ट की बात हो रही है वो वही लिस्ट जिसको मैं अभी स्किप किया था, ये आपका पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट, पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड लिस्ट, पब्लिकेशन ऑफ थर्ड लिस्ट, ऐसे लिस्ट आता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। लास्ट ईयर का भी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसा वो दिखता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 की बात कर देते हैं। तो स्टेज 1 में दिया है रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाया। तो रजिस्ट्रेशन में आपको यार मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट लॉग इन करना है। लास्ट में आपको अपना मतलब चॉइस रखना है जिसमें आपको, जैसे अगर आपको BTech करना है कोलकाता में तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस में रखिएगा। अगर उसके बाद आपको BTech ही करना है तो आप फिर उसके बाद BTech इन चेन्नई रख सकते हैं, उसके बाद BTech इन कोची रख सकते हैं, ऐसे रखना है। और लास्ट में BSc का भी ऑप्शन आप रख सकते हैं अगर आपको BSc भी करने का कोई अगर मन हो तो। ये इसमें लिखा हुआ है देखिए, द कैंडिडेट मे चूज मल्टीपल प्रोग्राम एंड IMU कैंपस कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट दे फुलफिल। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा चूज करने के लिए, तो इसमें यही लिखा है क्लियरली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन चूज करिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ दे रखा है, फॉर रजिस्ट्रेशन टू द काउंसलिंग आपको 10,000 रुपये का लास्ट में पेमेंट करना होता है अगर काउंसलिंग का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। और अगर आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया तो वो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी होगा उसमें आपका 10,000 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब उसमें 10,000 आपके नहीं लगेंगे। और 10,000 का पेमेंट करने के बाद अगर आपका काउंसलिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, मतलब अगर आपका रैंक बहुत ही ख़राब है और आपने काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया है और आपको कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है, तो आपका 9,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। 1,000 आपका चार्ज होता है प्रोसेसिंग फीस, वो आपको रिफंड नहीं होगा, 9,000 आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वो और अच्छी बात होगी। तो आप
अगर आपका कुछ भी रैंक आया हो तो आप अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि यार शायद क्या पता आपको IMU में कोई भी कैंपस आपको मिल जाए उसमें। और उसके बाद और दे रखा है आपका, देखिए इसमें किस किस बेसिस पे आपका सीट अलॉट होता है, वो रैंक के बेसिस पे होता है, कैटेगरी SC ST OBC जनरली WS, चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स एंड कैंपसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन दैट कैंपस, इस सब के बेसिस पे होता है। तो ये सब कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है आपको ध्यान देने के लिए, आपको नॉर्मली बस काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है स्टेज वन में। फिर जो आपका स्टेज टू होता है उसमें आपका कन्फर्मेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो एडमिशन लिस्ट की बात हम लोग वहाँ पर स्किप करके आए थे कि ये आपका फर्स्ट लिस्ट आता है उसमें आपको एक्सेप्ट करना होता है। फिर अगर आपने डिक्लाइन कर दिया कि मुझे ये कैंपस नहीं ज्वाइन करना है, तो फिर ऐसे करके जो आपका प्रोसेस है वो आपका एडमिशन लिस्ट कहलाता है। तो एडमिशन लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे होता है, तो इसमें देखिए जैसे क्लियरली बता दूँ कि आपको कैसा होता है, तो एक सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने IMU कोलकाता में आपको BTech करना है, क्योंकि सबसे बेस्ट BTech वहीं पर होता है IMU कोलकाता कैंपस में। तो अगर आपने IMU कोलकाता प्रेफरेंस में रखा है फर्स्ट नंबर पर, और दूसरे नंबर पर रखा है IMU चेन्नई, और तीसरे पर रखा है IMU कोची BTech के लिए, तो फर्स्ट लिस्ट में क्या पता आपको IMU कोलकाता ना मिले, आपको IMU कोची या IMU चेन्नई मिले, और आपको वो ज्वाइन नहीं करना है, तो आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं और वहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है। दोनों आता है तो आप कोई भी एक कर सकते हैं। अगर डिक्लाइन करें तो फिर आप लिस्ट सेकेंड का इंतजार करेंगे, लिस्ट सेकेंड में भी अगर आपको नहीं मिला तो वहाँ से भी आप डिक्लाइन कर सकते हैं। फिर आपका आता है लास्ट में लिस्ट थर्ड, लिस्ट थर्ड में जो आपको मिलेगा वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको पूरा 10,000 रुपये आपका रिफंड नहीं होगा, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको कोई ना कोई कैंपस अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। फिर इनका लास्ट स्टेज है उसमें सीट को एक्सेप्ट करना होता है, तो वही जो मैं बता रहा था आपको एक्सेप्ट करना। मान लीजिए आपको IMU कोलकाता मिल गया तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट बटन आएगा, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 25,000 का आपको प्रोग्राम फी सबमिट करना पड़ता है। तो ये 25 + 10,000 आपका 35,000 जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी होगा उसमें से आपका कम हो जाएगा, उतना आपको कम लगेगा। उसके बाद आपको मतलब लेटर मिल जाएगा, प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर, और आपका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, और आपका मेडिकल फिटनेस और पेमेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फीस, ये सब प्रोसेस होगा। उसके बाद वो आपको IMU की तरफ से पूरा मेल के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा। सो गाइस ये कुछ तीन स्टेजेस में इनका प्रोसेस था। अभी हम लोग चलते हैं कि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो हम लोग वहाँ पे स्किप करके आए थे, क्योंकि आपको जो लेटर था जो आपका मतलब लास्ट में लिस्ट था उसके बारे में तो आपको यहाँ से पता चल गया कि लिस्ट कैसे आता है, और स्क्रीन पे भी मैंने आपको दिखा दिया था कि एडमिशन लिस्ट कैसे आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे अपना पूरा प्रेफरेंसेस डालना है आप। तो गाइज आपका जो रिमेनिंग डेट था वो मतलब जैसे आपको मतलब आपने 1/10/2020 को आपने 6 बजे तक फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपका जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगा जिसमें आपका प्रेफरेंस में से कोई एक कैंपस आपको मिला होगा वो आएगा 7/10/2020 को आपको पहला लिस्ट आएगा। और उसका जो डेडलाइंस होगा एक्सेप्टेंस ऑफ सीट फॉर कैंडिडेट इन फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का जो ऑप्शन होगा वो 11/10/2020 तक ही खुला होगा, तो उतने टाइम तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो भी आपका 10,000 पूरा बर्बाद हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट किया तो आपको 25,000 का फी सबमिट करके पूरा क्लियर कर देना होगा, और रिजेक्ट किया तो फिर आपको सेकेंड सीट एडमिशन लिस्ट का वेट करना पड़ेगा, वो 14 को आएगा और उसका भी डेडलाइन 17 को ही होगा। उसके बाद आपका थर्ड लिस्ट, अगर आप मतलब सबका एडमिशन अगर सेकेंड लिस्ट तक ही हो गया तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगा, अगर थर्ड लिस्ट आता भी है तो वहाँ पे भी आपको जो डेडलाइन होगा वो होगा 22/10/2020। और सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर पेंडिंग, सब कंफर्म होने के बाद थर्ड लिस्ट होने के बाद जो आपका जो बाकी का प्रोसेस है वो 22/10/2020 और 29/10/2020 के बीच में सब आपका हो जाएगा, जैसे मेडिकल रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब आपका ये 7 दिनों के अंदर हो जाएगा, 22/10/2020 से लेकर 29/10/2020 के बीच में। और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम का कमेंसमेंट है मतलब आपको जो कैंपस में बुलाया जाएगा वो है 2/11/2020, मतलब 2 नवंबर से आपका BSc या BTech का जो प्रोग्राम होगा वो शुरू हो जाएगा कैंपस में। सो गाइस अभी हम चलते हैं कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, तो आप इसको तो पूरा क्लियरली देखना, पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन दिया होता है, यहाँ पे आपको आके क्लिक हियर फॉर रजिस्टर ऑफ
काउंसलिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको लॉगिन डिटेल पूछेगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो ये वही पुराना वाला आपको यूज़र आईडी मतलब जो सीटी आईडी आपको मिला, रजिस्ट्रेशन आईडी वो फिल करना है, और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो। तो मैं यहाँ पे अपना फिल करता हूँ, तो यहाँ फिल करने के बाद साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आपका एक इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा, इसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा लास्ट में जाके। पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आप कंटिन्यू करना, ऐसे मत कंटिन्यू कर देना। तो ये मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है सीटी रैंक, मेरा दे रखा है 4198 और कैटेगरी दे रखा है ओबीसी, और रैंक सर्टिफिकेट का यहाँ ऑप्शन दे रखा है। लेकिन आपको अभी रैंक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्लियरली लिखा है यू मे डाउनलोड द रैंक सर्टिफिकेट फ्रॉम द बिलो लिंक फ्रॉम 28/08/2020। मतलब कल आप रैंक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अभी आप रैंक सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, यहाँ देखिए पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में दे रखा है और काउंसलिंग स्टेटस। तो यहाँ पे आपको ओपन काउंसलिंग फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म पे जो ही क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा कि आपका क्या, अपने मतलब पूरा फॉर्म फिल किया था उसके बारे में आपका दे रखा होगा, आपको पूरा फोटो वोटो दे रखा होगा। यहाँ पे आपको यस यस करना है, मैं पहले ये सिलेक्टेड नहीं था, अभी मैं एक बार खोल चुका हूँ तो ये दिखा रहा है, यस यस आपको करना है दोनों में। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अपना पूरा आपको एकेडमिक डिटेल चेक कर लेना है एक बार क्लियरली, पूरा चेक करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट अपना चेक कर लेना है यहाँ से डाउनलोड कर करके कि मैंने सब डॉक्यूमेंट सही डाले हैं कि नहीं। उसके बाद करने के बाद सब आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सो गाइस ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेज जहाँ पे आपको प्रोग्राम और कैंपस प्रेफरेंस में डालना है। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ कुल 9 पूरा है आपका ऑप्शन अवेलेबल होगा, बीएससी नवी मुंबई, बीएससी चेन्नई, बीएससी कोची, बीटेक कोलकाता, बीटेक चेन्नई, बीटेक विशाखापट्टनम, बीटेक मुंबई पोर्ट, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस नवी मुंबई, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आईएमयू चेन्नई। तो यहाँ पे एक बात क्लियरली बता दें, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विदाउट स्पॉन्सरशिप बिल्कुल यूजलेस है, आपको ये प्रेफरेंस में नहीं डालना है। क्योंकि यार देखो अगर इसको प्रेफरेंस में डाल लो तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा लास्ट में, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और आपको ऐसे पता है कि IMU का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है कितना बेकार है, BSc और BTech में जो प्लेसमेंट है वो होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में आपका कोई प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैं पहले BSc वालों को बताऊँगा कि अगर आपको BSc करना है तो कैसे प्रेफरेंस डालना है, और मैं BTech वालों को बताऊँगा कि आपको अगर BTech करना है तो फिर आपको कैसे प्रेफरेंस डालना है। अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट है, अगर BSc और BTech दोनों में कोई भी आपको मिल जाए, कोई भी आपको चलेगा, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा कि आप कैसे अपना प्रेफरेंस लिस्ट रख सकते हैं। तो BTech वाले यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रेफरेंस में रख सकते हैं BTech IMU कोलकाता, उसके बाद रख सकते हैं BTech IMU चेन्नई, फिर आप BTech मुंबई पोर्ट रख सकते हैं, फिर BTech IMU विशाखापट्टनम रख सकते हैं। ये आपको चार प्रेफरेंस रखना है। अगर आपको सिर्फ BTech करना है, BSc में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे जिनको सिर्फ BSc करना है, जिनको ऑफिसर बनना है, BTech में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनके लिए हम बात कर ले तो वो सबसे पहले यहाँ पे कर सकते हैं BSc इन नवी मुंबई, IMU नवी मुंबई, उसके बाद कर सकते हैं BSc IMU चेन्नई, फिर उसके बाद कर सकते हैं BSc IMU कोचिंग। ये आप कर सकते हैं, ऑप्शन में रख सकते हैं 3। इसके अलावा आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मत रखना, क्योंकि उसमें कोई भी प्लेसमेंट आपको लास्ट में नहीं मिलने वाली, जो प्लेसमेंट है वो BSc में ही है। तो ये आप बात क्लियर रखना। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे उनको मतलब BTech या BSc कोई भी मिल जाए तो चलेगा, वो आप नॉर्मली ऐसे रख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट BTech में ज़्यादा है तो आप BTech कोलकाता को ऊपर रखना, और अगर आपका BSc में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो BSc नवी मुंबई को ऊपर रखना। लेकिन एक बात याद रखना क्लियरली कि BSc और BTech दोनों बहुत ही अलग फील्ड है, दोनों की पढ़ाई बहुत ही अलग है, और जो दोनों का वर्क है वो बहुत ही अलग है। तो इसके लिए आप तैयार रहो, कोई भी एक काम लाइफ में हमेशा एक गोल सेट करना चाहिए, आप मल्टीपल गोल पे नहीं चल सकते, नहीं तो आप किसी लायक नहीं होंगे। तो आप कोई भी एक ही स्ट्रीम चूज करो, वो मैं प्रेफर करूँगा, नहीं तो बाकी अगर किसी को ये है कि मुझे कोई भी कैंपस मिल जाए किसी भी प्रोग्राम में, तो वो ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको BTech को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है तो कोलकाता को ऊपर रखना, नहीं तो अगर आपको BSc को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है तो BSc नवी मुंबई को ऊपर रखना, बाकी उसके नीचे अपना कोई भी BTech का जैसे रखा था मैं वैसे रख देना, या फिर BSc का जैसे मैं पहले इससे रखा था वैसे रख देना, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद वैसा सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो अभी हम बात कर ले जो दोनों सेलेक्ट करने वाले थे, जैसे आप रख सकते हैं IMU नवी मुंबई, उसके बाद आप रख सकते थे IMU कोलकाता, चेन्नई, कोचिन,
विशाखापट्टनम मुंबई पोर्ट ऐसे रख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका लास्ट में पेमेंट वेमेंट का पूछता है, तो मुझे तो अपना फॉर्म फिल करना नहीं है, आपको करना है, तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके फिर काउंसलिंग फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं। मुझे नहीं करना क्योंकि मैं स्पॉन्सर्ड हूँ, तो मुझे काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं आई एम यू कैंपस में। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है, क्योंकि आपका ये लाइफ का फर्स्ट टाइम, क्या पता फर्स्ट टाइम आपका आई एम यू काउंसलिंग हो। बहुत लोगों को बहुत डाउट हो रहा था कि काउंसलिंग का फॉर्म कैसा होता है, तो कुछ ऐसा नॉर्मल सा काउंसलिंग का फॉर्म होता है, मैं लास्ट टाइम भी मतलब दे चुका हूँ, तो मुझे पता है आई एम यू का कैसा होता है। बाकी लिस्ट आने के बाद मैं यार अपने इंस्टाग्राम आईडी और जो टेलीग्राम का नया ग्रुप बनाया, मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप डिमोलिश कर दिया और नया टेलीग्राम का चैनल बनाया, ग्रुप बनाया, उसमें आपको मतलब 24 आवर्स बहुत सारे बच्चे हैं अवेलेबल रहेंगे आपका डाउट क्लियर करने के लिए, और वहाँ पे अपडेट आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट आपको तुरंत मिल जाता है। तो आपको आई एम यू के काउंसलिंग का प्रोसेस भी बता दिया कैसे आपको करना है। बाकी मैं यार यहाँ पे एक सजेस्ट करूँगा कि जितने लोगों का कोई भी रैंक आया हो, कोई भी रैंक आपका मतलब 10,000 के नीचे कोई भी रैंक आया हो, तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करना, क्योंकि क्या पता आपको मिल जाए किसी न किसी लिस्ट में, आपको कोई कैंपस ज़रूर मिल सकता है। तो मतलब आपको फॉर्म फिल करना तो बहुत ज़रूरी है, और नहीं मिला तो बाकी आपके 9,000 तो आपके वापस रिफंड हो जाएंगे, बाकी उसके बाद आप फैब बैच के लिए ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट अगस्त बैच में भी ट्राई कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में आके पूछो, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे आप पर्सनली डीएम करके पूछ लो, लेकिन पूछना जरूर डाउट अपने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।